फिल्में अलग होती हैं, कुछ फिल्मों का नाम भी अलग होता है। इस फिल्म का नाम अलग है, फिल्म का नाम है वोडका डायरीज, लेकिन फिल्म कितनी अलग है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिल्म के जो नायक हैं के मेनन, फिल्म में हैं मंदिरा बेदी भी और इनके डायरेक्टर जो हैं कुशाल श्रीवास्तव। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्योंकि फिल्म का नाम बहुत ही अलग है, वोडका डायरीज, हमने टीजर देखा, एक मर्डर मिस्ट्री नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? निराली फिल्म है एक तो, दूसरी बात वोडका डायरीज एज अ टाइटल मुझे बेहद पसंद है, उसका जो हिस्ट्री है वो श्रीवास्तव जी बताएंगे आपको। और जहाँ तक फिल्म की बात है, मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म। मैं ना एक्चुअली मनाली के आसपास थी जब ये ऑफर आया मेरी तरफ, मैं ट्रक चला रही थी एक रियलिटी शो के लिए, और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा नेटवर्क मुझे मिला, मुझे ये कॉल आया कि ये फिल्म हम बना रहे हैं मनाली में। मैंने कहा व्हाट इज विद मनाली, नाउ आई एम स्टक टू मनाली एनीवे। पर स्क्रिप्ट इतना अच्छा था, द थॉट वाज सो नाइस, कि इससे पहले कि आई न्यू हु वाज एक्टिंग इन इट, आई वाज लाइक ऑन द स्क्रिप्ट लेवल आई लव इट। फिर पता चला कि के के साथ मेरा सारा काम होने वाला है, आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद हिम एज हिज वाइफ इन इन दिस फिल्म, तो दैट वाज लाइक द डबल द सेकंड रीजन फॉर मी टू से यस टू दिस फिल्म। और फिर वो जो कैरेक्टर है, द कैरेक्टर वाज सो नाइस, क्योंकि अब मेरे जो शॉर्ट है ना, छोटे बालों की वजह से लोग मुझे या तो कॉप का रोल ऑफर करते हैं या गैंगस्टर का रोल ऑफर करते हैं, यहाँ मुझे एक कॉप की वाइफ का रोल ऑफर किया, जो वो भी पोएटिस, शी वॉज रोमांटिक एंड फेमिनिन एंड लवली, एंड ऐसे रोल मुझे बहुत कम मिलते हैं, तो मैंने बिल्कुल हाँ कर दिया। कि कई फिल्मों में हमने देखा है कि आपने पुलिस अफसर का किरदार निभाया, इसमें भी आप ACP बने हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं आप स्टक हैं इस किरदार से, इस तरह के किरदारों से जिसमें आप पुलिस अफसर की किरदार बार बार निभाते हैं? हालांकि मैं हनीमून ट्रैवल्स में तो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था, ना ही संकट सिटी में था, ना ही मुंबई मेरी जान में था, ना ही हैदर में था, ना कहीं और था, तो बहुत सारे ऐसे हैं। पिछली फिल्म देखी सात उचक के, उसमें आप पुलिस अफसर? हाँ बिल्कुल, पिछली फिल्म में हो सकता है, अब ये संदर्भ की बात है कि वो साथ में रिलीज हो गई, हालांकि हम अलग अलग टाइम पे फिल्में करते हैं, बट दरअसल मेरा हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं किरदार को निभाऊँ, उस रोल को ना निभाऊँ। जब आप रोल निभाते हो तो आप स्टक हो जाते हो, बिकॉज अगर आप कॉप का रोल करोगे तो लफड़ा, आपको वो इंसान पेश करना होगा और हर इंसान अलग होता है, तो मेरी वो कोशिश होती है कि वो कॉप हो या टीचर हो या लॉयर हो, वो सब दूर की बात है, उसमें कोई मतलब नहीं, इंसान पेश करना मेरा फर्ज है जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, तो मैं वो कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने अश्विनी दीक्षित को पेश किया, ACP जो है वो एक बात की बात है, मतलब है ACP। कुणाल, फिल्म का टाइटल काफी अलग है, जैसे ये बता रहे थे के कि आप ही बताएंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, इतना अलग टाइटल रखने की। इस बार हमने कुछ अलग हटके फिल्म बनाई है, तो मुझे लगता है अगर आप लोग देखेंगे और उसको बढ़ावा मिलेगा तो आगे आने वाले लोग फिर इस टाइप की कोशिश कर पाएंगे कि रेगुलर से अलग हटके हो। और ये वोडका डायरीज एक क्लब की कहानी है, तो वो क्लब के नाम पर इस फिल्म का टाइटल मिला है और सब लोगों ने सराहा है, मुझे लगता है टीजर सबको अच्छा लगा, पोस्टर अच्छा लगा, आगे ट्रेलर अच्छा लगेगा, फिल्म अच्छी लगेगी। एक बात तो तय है कि फिल्म देखने के बाद आपका सर थोड़ा घूमेगा, जैसे आप वोडका पीने के बाद सर थोड़ा घूमता है ना, वो होने वाला है, गारंटी। और थोड़ा सा आपको यहाँ लगेगा भैया, यहाँ लगने वाली बात है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसको सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर के रूप में नहीं देखा है, इस फिल्म को एक ह्यूमन स्टोरी के हिसाब से भी देखा है, तो वो ह्यूमन स्टोरी आपको कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ा सा हल्का सा एक लेकर जाएंगे आप घर। इन दिनों अमेरिका परेशान है कि बर्फबारी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई, आप लोगों के लिए कैसा था मनाली में शूट करना बर्फ के बीच में? मैं खूब दौड़ा हूँ उसके ऊपर, खूब दौड़ा हूँ, मतलब इट केप्ट मी वार्म एक्चुअली, वो एक तरीका है आपको सर्दी काटने का, लेकिन ये जो है ये भेज देते थे वो ड्रोन जो है कैमरा ऊपर, भागो, मैं भागता था। इनके पास तरीका था, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था, मैं बस ठंड में मर रही थी, मेरा दिमाग ज्यादा जल्दी चल रहा था और मेरे जो होंठ थे दे वर लैगिंग बिहाइंड, तो मैं स्लर कर रही थी कभी कभी, क्योंकि इट वाज सो कोल्ड, इट वाज रियली कोल्ड, हम स्नो में भी थे और बहुत ठंड थी, और तीन चार हमने सोचा था कि ऐसे कपड़े पहनेंगे पर वैसे पहनने पड़े क्योंकि बहुत ठंड थी, बहुत वाकई बहुत ठंड थी। जब हम लोग बर्फ में जाते थे तीसरे चौथे दिन ही मुझे लगा, मुझे के सर को देख के लगता था कि ये यहीं के हैं, मतलब तो वो इतने कंफर्टेबल हो गए थे बर्फ में कि हम लोग बहुत ऊपर जाके बर्फ के अंदर दौड़ना था, तो उसके बहुत सारे लॉन्ग शॉट थे, क्लोज शॉट थे, तो मैंने उसमें एक डुप्लीकेट बुलाया हुआ था
अगर कुछ इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं उतना शुरू में पता नहीं कितने कंफर्टेबल होंगे, लेकिन उन्होंने कभी किस कुछ कंप्लेंट किया ही नहीं, खुद ही सारे शॉट इतना दौड़ दौड़ के किया कि बहुत फिल्म के लिए बहुत अच्छे शॉट्स हम लोग को मिले उससे। मंदिरा के क्या, हालांकि आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों का एक यूनिक कनेक्शन है कि आप दोनों ने टीवी में भी काफ़ी काम किया, आपने शुरुआत शांति से ही की थी, काफ़ी आइकॉनिक सीरियल माना जाता है। क्या आपको लगता है कि टेलीविजन में आप कितना बदलाव आ गया इन 20 सालों में, जब आपने शुरू किया था और अब का दौर आप दोनों देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक ऐसा है ना कि हमारे दौर पे ना डेली सोप को बहुत इज्जत से पेश करते थे। डेली सोप जो होता ना, सोप उसको रोज रगड़ो तो उसका फ्रेग्रेंस चला जाता, खत्म हो जाती है। तो आपको ये बहुत वो करना पड़ता है कि भैया इसकी जो खुशबू है वो इंटैक्ट रहे हर दिन नहाने के बावजूद। तो इसलिए वो डेली सोप को जो है आपको बड़े मतलब संजीदगी से अच्छे से उसको वो करना पड़ता है। वो शायद हम खो दिए हैं कहीं, क्योंकि हमारे ज़माने में क्वालिटी वॉज इट, मतलब हर इंसान ये चाहता था कि मैं सबसे बेस्ट टेलीविज़न में पेश करूं। हालांकि माध्यम बहुत ही बढ़िया है टेलीविज़न एज ए मीडियम, उसका दुरुपयोग काफ़ी हो चुका है और एज़ मंदिरा ऑलवेज सेज़ रिग्रेसिव भी हो चुका है काफ़ी। तो वो उससे अगर हम हट जाए ना तो बेहतर होगा। लोग पूछते हैं मुझसे कि आप टेलीविजन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस किस्म के रोल्स मुझे ऑफर कि मैं शॉर्ट हेयर है ना, शॉर्ट हेयर मींस आई एम अ वैम, आई कांट बी एनीथिंग एल्स, ऐसे टेलीविजन के स्टीरियोटाइप्स हैं एंड दैट्स वेरी सैड। जो शांति, विच वॉज द फर्स्ट एवर डेली सोप ऑन इंडियन टेलीविजन, जो शांति में मेरा कैरेक्टर था, शी वॉज अ वुमन बिफोर हर टाइम, शी वॉज इंस्पिरेशनल, शी वॉज मोटिवेटिंग। अब जबकि सारी फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना, उनको या तो घरेलू बना दिया, मतलब ऐसे घरेलू कि वो सिर्फ किचन में बैठ के या तो पॉलिटिक्स करती है या अपने मदर इन लॉ के साथ लड़ती है, या दूसरी तरफ शी इज़ अ वर्किंग वूमन, देन शी इज़ नॉट लुकिंग आफ्टर फैमिली, शी नॉट केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर फैमिली। तो आजकल ये जो स्टीरियोटाइप्स को रीइन्फोर्स किया जाता है टेलीविजन में, आई थिंक दैट्स द रीज़न आई एम नॉट डूइंग टेलीविजन। हमने ना, इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्टेप्स फॉरवर्ड, वी टेकन स्टेप्स बैकवर्ड्स। That's the sad part of television today. एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।